इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आधुनिक युग की मांग है। कार और कार्गो से लेकर टू व्हीलर्स तक इलेक्ट्रिक एनर्जी पर स्विच हो गए हैं, इसलिए कंपनियां अब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के साथ नए प्रयोग भी करने लगी है। ऐसा ही एक इलेक्ट्रिक व्हीकल अजीपुट की ओर से पेश किया गया है। आप इसे बाइक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और थ्री व्हीलर की तरह भी। इसे कार्गो के विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है। इससे भीड़ भाड़ वाले इलाकों और संकरी सड़कों में आसानी से सफर किया जा सकता है। इसे सामान ढोने के इस्तेमाल में भी लिया जा सकता है। इसमें 1000 वाट की ब्रशलेस मोटर दी गई है और 90 Nm का टॉर्क इसमें मिलता है। इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर बाइक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर दौड़ सकती है। तीन पहिए होने की वजह से इस पर भारी लोड भी ले जाया जा सकता है। इसको चलाते समय कार चलाने का एहसास होगा, ऐसा कंपनी का कहना है। इसके अलावा इस ट्राईसाइकिल में 60 वोल्ट का बैटरी पैक मिलता है, जिसे एक बार फुल चार्ज करके 80 किलोमीटर तक नॉनस्टॉप राइड ले सकते हो। इसकी बैटरी को चार्ज होने में 3 घंटे का समय लगता है। इसकी स्पेस कैपेसिटी की बात करें तो इस थ्री व्हीलर में काफी अच्छा स्पेस दिया गया है। इसमें दो लोग आसानी से सफर कर सकते हैं। इसके साथ पीछे की सीट रिमूव करके पीछे लोड भी ले जा सकते हो। आरामदायक और उपयोगी राइड के लिए कंपनी इसमें कई एक्सेसरीज देती है, जैसे कि इसमें आरामदायक सीट, स्टोरेज बॉक्स आदि दिए गए हैं। यह ट्राईसाइकिल 200 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है। इसकी खास बात यह भी है कि इसे छोटे और लंबे कद वाले दोनों की तरह के लोग आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाइक को स्त्री और पुरुष दोनों जेंडर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसका डिजाइन काफी हटकर है। आम तौर पर लोड ले जाने वाली बाइक्स में पीछे की ओर दो पहिए मिलते हैं, इसमें भी सेम मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया गया है। इसी की वजह से बाइक के साथ ही थ्री व्हीलर भी बन जाती है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इस ट्राईसाइकिल के फ्रंट या रियर में डिस्क ब्रेक दिया गया है। इसके अलावा इस ट्राईसाइकिल में छोटा सा डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है, जिसमें स्पीड, रेंज, बैटरी और लाइट्स जैसी जरूरी जानकारी देख सकते हो। इसमें बेहतर ऑन रोड ऑपरेशंस के लिए बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस, बेहतर ग्रेडिबिलिटी, अधिक गति और उच्च एक्सेलरेशन मिलता है। कीमत की बात करें तो इसकी चीन में प्राइस 30,000 रुपए रखी गई है। अगर आप इंडिया से खरीदना चाहते हो तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। इस हिसाब से इस इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल की प्राइस 1,00,000 रुपए के आसपास हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी थ्री व्हील इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल सुपर कार इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय।